गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जो भी साथी क्लास से जुड़ चुके हैं, आप सभी बच्चे क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और भी साथी और भी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर सके। जैसे कि आप सभी को मैंने बताया है कि ट्रिपल सी जो सितंबर एग्जाम 2024 जो भी बच्चे उन सभी की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए मैं रिविजन क्लास करा रहा हूँ। और रिविजन क्लास में सभी चैप्टर से सभी टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन को हम शामिल करेंगे इस रिविजन क्लास में। तो ये रिविजन क्लास भी आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। तो रिविजन क्लास को आपको मिस नहीं करना है, डेली आपको क्लास ज्वाइन करना है सुबह साढ़े आठ बजे आपको रिवीजन क्लास कराएंगे, जब तक आपका एग्जाम एंड नहीं हो जाता, ठीक है। तो रिवीजन क्लास आप सभी जरूर कीजिए, रिवीजन क्लास जो है वो आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो जल्दी से आप सभी बच्चे क्लास से जुड़िए। और जो बच्चे क्लास में पहली बार आए, अगर प्रीवियस क्लास आपने अगर नहीं देखा है तो प्रीवियस क्लास आप जरूर देखिए, प्रीवियस क्लास भी आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस क्लास को देखने के लिए क्लास के डिस्क्रिप्शन में हमको लिंक एड कर दिया है, ट्रिपल सी सितंबर एग्जाम 2024 के नाम से आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाके सभी क्लासेज को देख सकते हैं। तो जल्दी से आप सभी बच्चे क्लास से जुड़िए। जो बच्चे क्लास से जुड़ चुके हैं आप सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से आप सभी बच्चे कर रहे होंगे स्टूडेंट। तो अगर किसी भी तरीके की अगर आपको डाउट है तो आप हमें क्वेरी कर सकते हैं, आपको पूरा सहायता किया जाएगा। तो जल्दी से आप सभी बच्चे क्लास से जुड़िए ताकि क्लास को कंटिन्यू किया जाए स्टूडेंट बिना देरी के। तो जल्दी से आप सभी बच्चों क्लास से जुड़ जाना है, जल्दी से क्लास से जुड़िए स्टूडेंट्स। मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से आप सभी बच्चे क्लास से जुड़िए ताकि क्लास को कंटिन्यू किया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का जो पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट की व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दैट कैन बी यूज्ड व्हाइल ट्वीटिंग ऑन ट्विटर। बताना आपको कि ट्विटर पर ट्वीट करते समय अधिकतम कितने कैरेक्टर का उपयोग किया जा सकता है। बताइए मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बताइए। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दैट कैन बी यूज्ड व्हाइल ट्वीटिंग ऑन ट्विटर। ट्विटर पर ट्वीट करते समय अधिकतम कितने कैरेक्टर का उपयोग किया जा सकता है। बताना आप सभी को कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। और जो बच्चे हमारे साथ लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं, आप सभी बच्चों को लाइव चैट में क्वेश्चंस का आंसर देना है इसमें। तो जल्दी से आप सभी बताइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन में जो सी है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, 280 करेक्टर्स को हम लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ऑप्शन में जो सी है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू, व्हेन वी रिसीव सम मेल एंड हैव टू सेंड इट टू अदर व्हाट इज इट कॉल्ड। जब हमें कोई मेल प्राप्त होता है और उसे दूसरों को भेजना होता है तो उसे क्या कहते हैं। बताइए मेरे प्यारे बच्चों कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, बताना आप सभी बच्चों को। व्हेन वी रिसीव सम मेल एंड हैव टू सेंड टू अदर्स व्हाट इज इट कॉल्ड। जब हमें कोई मेल प्राप्त होता है और उसे दूसरों को भेजना होता है तो उसे क्या कहते हैं, बताना आप सभी को। बताइए आप सभी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, बताइए आप सभी मेरे प्यारे बच्चों, बताना आप सभी को कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर टू का ऑप्शन नंबर जो बी है आपका करेक्ट आंसर आता है, ठीक है। तो जिस बच्चे ने भी अगर ऑप्शन नंबर बी बताया तो उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट वुड यू यूज फॉर एन इंस्टेंट रियल टाइम कम्युनिकेशन विद अ फ्रेंड। किसी मित्र के साथ तत्काल रियल टाइम संचार के लिए आप क्या उपयोग करेंगे, बताना है। क्वेश्चन में जो थ्री कह रहा है स्टूडेंट कि किसी मित्र के साथ तत्काल रियल टाइम संचार के लिए आप क्या उपयोग करेंगे। इसमें आपको कम्युनिकेशन करना है किसी फ्रेंड के साथ, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, या यूज नेट यूज कर सकते हैं, या ब्लॉक्स कर सकते हैं। बताइए आप सभी क्वेश्चन नंबर थ्री का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन में जो ए है आपका करेक्ट आंसर आता है, इंस्टेंट मैसेजिंग कर सकते हैं आज, ठीक है। तो जिस बच्चे ने भी अगर ऑप्शन नंबर ए बताया तो उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर, हु इज द फाउंडर ऑफ इंडिया फर्स्ट ई कॉमर्स कंपनी। बताना आपको कि भारत की पहली ई कॉमर्स कंपनी webmart.com के संस्थापक कौन है। बताना आपको कि भारत के पहली ई कॉमर्स कंपनी webmart.com के संस्थापक कौन है, आपको बताना है। बताइए क्वेश्चन नंबर फोर का करेक्ट ऑप्शन बताना आप सभी को। तो ऑप्शन में जो ए है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, के वेथी स्वरण, ठीक है। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर के बी, ठीक है, के डॉट के वेस्त्र
वैथी सोरन जो है वो आपके क्या है fabmart.com के संस्थापक है। ठीक है, तो जिस बच्चे ने भी अगर ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग ईमेल एड्रेस रिप्रेजेंट अ गवर्नमेंट एंटिटी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल पता सरकारी संस्था को दर्शाता है। बताइए मेरे प्यारे बच्चों कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। क्वेश्चन को पहले बी केयरफुली क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद ही आप सही ऑप्शंस का चयनित कीजिएगा। जो पहले क्वेश्चंस को पढ़ाई कीजिए, रीड कीजिए, उसके बाद समझिए कि क्वेश्चंस क्या कह रहा है, उसके बाद ही आप सही ऑप्शंस का चयनित कीजिएगा। तो बताइए क्वेश्चन नंबर जो 5 है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल पता सरकारी संस्था को दर्शाता है। बताइए आप सभी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। ऑप्शन में जो सी है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है abc@nic.in। जो भी गवर्नमेंट वेबसाइटें होती है स्टूडेंट, जो कि आपका एड्रेस होता है, ईमेल एड्रेस जो होता है वो एनआईसी से होता है, nic.in से। ठीक है, तो जिस बच्चे ने भी अगर ऑप्शन नंबर सी बताया तो उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू सेंड एंड रिसीव एन ईमेल यू हैव टू डू इन योर अकाउंट। ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए अपने अकाउंट में क्या करना होता है। बताइए आप सभी, अगर ईमेल हमें भेजना है या प्राप्त करना है तो उसके लिए हमें अकाउंट में क्या करना होता है, बताना आप सभी को बताइए। तो ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर जो होता है लॉग इन करना पड़ता है। सुन, किसी भी अकाउंट को आपको क्या करना है, ईमेल भेजना है या आपको प्राप्त करना मतलब रिसीव करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, लॉग इन करना पड़ेगा। लॉग इन कीजिएगा तभी आपका कोई भी मेल जो है आप सेंड कर पाइएगा और रिसीव कर पाइएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया तो उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन ईमेल क्लाइंट। निम्न में से कौन सा एक ईमेल क्लाइंट है आपको बताना है। मेरे प्यारे बच्चों बताना आप सभी को कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है आपका करेक्ट आंसर होता है आउटलुक। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर ए बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज एन स्टैंड फॉर इन उमंग। उमंग ऐप, उमंग ऐप में एन का क्या मतलब होता है आपको बताना है। उमंग ऐप में एन का क्या मतलब होता है बताइए आप सभी बच्चे। ऑप्शन में जो ए है आपका करेक्ट आंसर होता है न्यू एज। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर ए बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, विच इज द फर्स्ट ई कॉमर्स कंपनी इन इंडिया। भारत की पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है आपको बताना है। बताइए मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। उम्मीद है आप सही बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। आज जो भी बच्चे हमारे साथ क्लास में जुड़े हुए हैं आप सभी क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा। आपके एग्जाम्स के लिए एक एक क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है स्टूडेंट, और आप सभी अगर जुड़े हुए हैं तो क्लास को लाइक भी कीजिए और शेयर कीजिए। शेयर कीजिएगा तो और भी दोस्तों को इस क्लास से हेल्प मिलेगा, जो कि स्टूडेंट आपको काफी दुआ मिलती है अगर आप दूसरे को शेयर करते हैं तो। शेयर करना आप सभी बिल्कुल ना भूलें। और बताएं क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर होता है फैब मार्ट जो मार्ट है वो भारत की पहली ई कॉमर्स कंपनी है। ठीक है, तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि वेयर आर इनकम्प्लीट ईमेल सेव्ड। अधूरे ईमेल कहाँ सहेजे जाते हैं बताना आप सभी को, कि अगर कोई ईमेल है और वो इनकम्प्लीट है तो कहाँ रखा जाता है बताइए आप सभी। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन में जो सी है आपका करेक्ट आंसर होता है ड्राफ्ट। स्टूडेंट कोई भी अगर हमारा ईमेल है अगर इनकम्प्लीट है अब उसको और हम नहीं भेजते हैं तो हमारा कहाँ चला जाता है, ड्राफ्ट में सेव हो जाता है। ठीक है, तो जिस बच्चे ने भी अगर ऑप्शन नंबर सी बताया तो उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि फ्रॉम विच वेबसाइट्स ऑफ IRCTC डू यू बुक तत्काल टिकट। ठीक है, यू बुक तत्काल टिकट, आप IRCTC की किस वेबसाइट को तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं बताना आपको, कि तत्काल टिकट बुक करने के लिए आप IRCTC का वेबसाइट को यूज कर सकते हैं क्या, बताना आपको कि IRCTC की किस वेबसाइट से तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं। IRCTC से किस वेबसाइट से तत्काल टिकट को आप बुक कर सकते हैं बताइए मेरे प्यारे बच्चों, वेबसाइट बताना है। इसमें वेबसाइट्स आपको दे रखा है ऑप्शन ए बी सी डी में, तो बताना आप सभी को कौन सा वेबसाइट जो है आपका, वहां से आप टिकट तत्काल कर सकते हैं बताइए। तो ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर होता है www.irctc.co.in पे आप जाके अपने टिकट को बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर बी बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 जो है, अ प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर फेचिंग ईमेल फ्रॉम अ मेलबॉक्स इज POP3। प्रोटोकॉल का प्रयोग मेलबॉक्स से
ईमेल को फेस करने के लिए किया जाता है। बताइए आप सभी क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा, बताना है आप सभी बच्चों को। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा आपका हो जाएगा ट्रू। तो जिस बच्चे ने भी अगर ट्रू बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि ईमेल इज लिमिटेड टू टेक्स्ट बेस्ड मैसेज, ईमेल टेक्स्ट आधारित संदेशों तक सीमित है, बताना आपको कि इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा आपका हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अ वीडियो ऑफ 60 सेकेंड्स कैन बी रिकॉर्डेड एंड सेंड थ्रो इंस्टाग्राम डॉट इंस्टाग्राम पर, ठीक है, 60 सेकेंड का आप जो वीडियो है वो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम पर 60 सेकेंड का वीडियो रिकॉर्ड करके पोस्ट किया जा सकता है क्या, बताना आपको कि इंस्टाग्राम पर 60 सेकेंड का वीडियो रिकॉर्ड करके पोस्ट किया जा सकता है, क्या ये स्टेटमेंट सही है? अगर सही है तो ट्रू हो जाएगा, अगर गलत है तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, बताइए आप सही। ऑप्शन में जो ए है आपका करेक्ट आंसर आता है ट्रू, एस वन बिल्कुल हम 60 सेकेंड का वीडियो अपलोड कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, ठीक है। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर ए बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है द टू पार्ट्स ऑफ एन ईमेल एड्रेस इज सेपरेटेड बाय एट द सिंबल डॉट, ठीक है, ईमेल एड्रेस के दो भागों को एट द रेट सिंबल द्वारा अलग किया जाता है, बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा, बताइए मेरे प्यारे बच्चों कि ईमेल एड्रेस के दो भागों को एट द सिंबल द्वारा अलग किया जाता है क्या, बताना आप सभी को कि इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा आपका हो जाएगा ट्रू। अगला क्वेश्चन है कि MTA stands for मेल ट्रांसफर एजेंट, MTA का पूर्ण रूप मेल ट्रांसफर एजेंट है क्या, बताना आप सभी को कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका हो जाएगा ट्रू। तो जिस बच्चे ने भी अगर ट्रू बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कैन USSD सर्विसेज बी अवेलेबल्ड बाय डायलिंग, क्या डायल करने से USSD सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है, बताइए आप सभी। क्वेश्चन नंबर 17 का जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्या डायल करने से USSD सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है, आपको बताना है, बताइए आप सभी बच्चे लाइव चैट में बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो सकता है। ऑप्शन में जो ए है आपका करेक्ट आंसर होता है *99#, से आप यूएसएसडी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ MDA इन ईमेल, ईमेल में MDA का क्या अर्थ होता है, आपको बताना है। ईमेल में MDA का क्या अर्थ है आपको बताना है मेरे प्यारे बच्चों, बताइए आप सभी, सभी बच्चे बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर आता है मेल डिलीवरी एजेंट। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोटोकॉल इज यूज फॉर इंटरनेट मेल, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट मेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बताइए आप सभी। क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन में जो डी है आपका करेक्ट आंसर होता है नॉन ऑफ दिस इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि हु इज द फाउंडर ऑफ टेलीग्राम, टेलीग्राम के संस्थापक कौन है आपको बताना है, बताइए मेरे प्यारे बच्चों टेलीग्राम के संस्थापक कौन है, जल्दी से बताना आप सभी बच्चों को। हु इज द फाउंडर ऑफ टेलीग्राम, बताइए आप सभी। हु इज द फाउंडर ऑफ टेलीग्राम, टेलीग्राम के संस्थापक कौन है, जल्दी से आप सभी बच्चों को बताना है। ऑप्शन में जो डी है आपका करेक्ट आंसर होता है ए एंड बी बोथ, पावेल दुराव भी हैं और निकोलाई भी हैं, ये आपके टेलीग्राम के क्या है संस्थापक है, ठीक है। तो जिस बच्चे ने भी अगर ऑप्शन नंबर डी बताया तो उनका सही जवाब है। अश्विन, आज की क्लास आप सभी को कैसा लगा, 20 क्वेश्चंस में आपने कितने क्वेश्चंस को करेक्ट किया है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप क्लास में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे ऑल पे प्रेस कीजिए कि अगर कोई भी अगर अपडेट आता है तो उससे पहले आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर क्लास में आप पहली बार आए तो चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए,
उसके बाद आप वहाँ पे त्रिपुरा की बहुत सारी क्लासेस जो है आपको मिल जाएंगी। स्टूडेंट क्लासेस को जरूर देखिए, जितना अगर प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट्स मिलेगा त्रिपल सी सितंबर एग्जाम के लिए। तो स्टूडेंट त्रिपल सितंबर एग्जाम अगर आप देने जा रहे हैं तो आप सभी प्रैक्टिस जरूर कीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए। त्रिपल सी प्रीवियस पेपर है, आपका प्लेलिस्ट मिल जाएगा, त्रिपल सी मॉडल पेपर है, त्रिपल सितंबर एग्जाम की प्लेलिस्ट है, और भी बहुत सारे वीडियोज हैं जो कि त्रिपल सी रिलेटेड हैं, आप देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको 101% आपको बेनिफिट मिलेगा त्रिपल सी सितंबर एग्जाम में। ठीक है, आई होप आप सभी चीजें समझ गए होंगे। अगर किसी भी तरीके की अगर आप डाउट है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, उसमें आपको समाधान हम जरूर देंगे इसमें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।